दोस्तों अभी मैं एक कमेंट्स पढ़ रहा था और कमेंट्स ये था कि सर हमें आसान तरीके से लोन देने वाली किसी ऐप के बारे में बताएं जहां पर ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी ना हो, आधार कार्ड पैन कार्ड लगाएं और हमें पैसा मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही ऐप लेकर आया हूं जो कि नई ऐप है, जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर आपको 50,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड कराती है। यानी कि 50,000 रुपये तक का मतलब है कि आपको कम से कम 1,000 और मैक्सिमम 50,000, इसके बीच कोई भी लिमिट आपको मिल जाएगी और उस लिमिट के हिसाब से आप जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड लगाया जाएगा। इसके साथ साथ किसी भी भारतीय बैंक में आपका जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसमें आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे और उसके बाद दोस्तों आप जो है अपनी KYC कंप्लीट करोगे, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड लगाकर KYC करनी है। उसके बाद जो भी लिमिट होगी, आपका जो अप्रूवल होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे कि एक ऐसी ऐप जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, इनकी क्या टर्म एंड कंडीशन है और किस तरीके से आपको लोन मिलता है। सबसे पहले आप देख लें, आपको जो है स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि आपको बताया है यहाँ पर कि कम से कम आप जो है 1,000 और मैक्सिमम 50,000 का लोन ले पाएंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि इनका जो इंटरेस्ट है वो 0 से लेकर 33% के आसपास है, यानी कि आप ये मानकर चल सकते हैं कि मंथली आपको 1 से लेकर 3% के बीच ब्याज देना पड़ेगा जो भी आप जो है लोन लेंगे। इसके साथ साथ टेन्योर कितना होने वाला है, तो आप कम से कम 64 दिन और मैक्सिमम 120 दिन, 2 महीने से लेकर 4 महीने के लिए लोन मिलता है इस ऐप पर। इसके साथ साथ आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो दोस्तों 2 से लेकर 3% पड़ेगी। और यहाँ पर APR बताया है कि मान लो आपने लोन ले लिया, आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये 125% तक जा सकती है। ठीक है, अब ऐसा होता ही है, सिर्फ इस ऐप के बारे में नहीं दोस्तों, आप बैंक में भी जाएंगे वहाँ पर भी अगर लोन लेंगे, रीपेमेंट नहीं करेंगे, समय पर नहीं चुकाएंगे, तो वहाँ पर भी आपका जो है इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको फ्लैक्सी पर्सनल लोन मिलता है। अब फ्लैक्सी पर्सनल लोन का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट दिए, आपको क्रेडिट लिमिट मिल गई, उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में आसान तरीके से 5 मिनट के अंदर क्रेडिट करा सकते हो, डिस्बर्सल करा सकते हो। अब जो लोन आसान तरीके से मिलते हैं वहाँ पर ब्याज थोड़ा ज़्यादा चार्ज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऐप है दोस्तों आपसे सिर्फ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड पूछ रही है, बाकी ये कुछ डिटेल नहीं दे रही, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी आपसे ले ली हो या कोई और, मतलब कुछ ऐसा जो कि परमानेंट आपको जो है आप कहीं चले गए तो ये आपसे रिकवरी कर सकें, ऐसा नहीं होता है। आपकी साख के आधार पर पैसा देते हैं ये, तो ऐसे में यहाँ पर ब्याज थोड़ा ज़्यादा रहता है। अभी आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप 50,000 रुपये का लोन लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है 120 महीने के लिए, यानी कि 120 दिन के लिए, यानी कि 4 महीने के लिए, तो आपका जो ब्याज है वो 33% रहेगा। 33 का मतलब है कि भारतीय 36, मतलब 3% से थोड़ा कम, तो थोड़ा कॉस्टली है। पर यहाँ पर आप आएंगे, आपको बताया है कि 50,000 का जो लोन होगा उसमें से आपके जो बैंक अकाउंट में डिसबर्सल होंगे वो सिर्फ 48,289 रुपये होंगे, बाकी का जो है दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस और टैक्स वगैरह में चला जाता है। ठीक है, GST वगैरह में चला जाता है। टोटल मिलाकर 48,280 जो आपको पैसे मिलेंगे, उसके एवज में आपको कितना चुकाना है, तो वो चुकाना है 55,500 रुपये, यानी कि लगभग आप ये मानकर चल सकते हैं कि 7,000 के आसपास। ठीक है, इस लोन को लेने के लिए आपको 7,000 प्लस का जो है एक्सपेंस आ रहा है, यानी कि खर्चा आ रहा। ठीक है, नीचे आएंगे, बताया गया है कि एलिजिबिलिटी, अब देखिए एलिजिबिलिटी देख लें, क्योंकि जो लोन आसान तरीके से मिलते हैं दोस्तों वहाँ पर थोड़ा कॉस्टली होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। आप एक इंडियन होने चाहिए, आपकी जो एज है वो 22 साल होनी चाहिए और स्टेबल इनकम होनी चाहिए। भाई ना तो सैलरीड पूछ रहे हैं, ना सेल्फ एम्प्लॉय पूछ रहे हैं, आप क्या करते हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो यार, यहाँ से आपको लोन मिल जाएगा, बस आप उसका रीपेमेंट समय पर कर देना। ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए बात करेंगे, पैन कार्ड लगेगा, यहाँ पर आधार कार्ड लग जाएगा, आधार कार्ड नहीं है DL लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो और इसके साथ साथ सेल्फी लगा सकते हो। तो देखिए मैं मोस्टली जो ऐप है वो आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड मांगती हैं, पर इन्होंने बोला कि भाई आधार कार्ड भी नहीं है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, DL लगा दो, ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा, एक सेल्फी दे दो, पैसा ले लो। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे, सिंपल बताया है कि आप जो है इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, KYC कंप्लीट कर लें, और अगर आपको लगता है भाई कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप जो है इस नंबर पर, जो कि नंबर बताया गया है, इस पर आप कॉल कर लें। इनका ऑफिस का जो एड्रेस है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, दिल्ली का एड्रेस निकल कर आया है, और नीचे आप आएंगे तो आपको और भी डिटेल देखने को मिल जाएगी। ये जो ऐप है नई ऐप है, 25 मई 2023 को ये ऐप रिलीज हुई थी। ठीक है, तो इतनी पुरानी ऐप नहीं है कि यहाँ पर आकर आपको लोन ना मिले, तो लोन मिल जाएगा। इस ऐप के नाम की बात करेंगे दोस्तों तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो टैपलैंड नाम की जो ऐप है जो कि आपको आसान तरीके से लोन प्रोवाइड करती है, और इसके जो है अगर हम बात करेंगे डाउनलोड के, तो 50,000 से ज़्यादा इस ऐप के डाउनलोड हैं। तो
आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपको इस ऐप पर लोन नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक और हैं जो कि आपको ब्रांच एंड ट्रू बैलेंस नाम की ऐप के देखने को मिलेंगे। वहाँ पर भी आप आधार कार्ड पैन कार्ड लगाएं और लोन के लिए अप्लाई कर दें तो वहाँ पर भी कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम इन दोनों ऐप से आपको 1 लाख रुपये तक का लोन जो है वो आसान तरीके से मिल सकता है।